This news is brought to you by Nandini College of Nursing. बिलासपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान नैना देवी के विधायक रामलाल ठाकुर ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र की प्रत्येक पंचायत में थर्मल स्कैनर वितरित किए जाएंगे और इस कार्य के लिए 5 लोगों की एक एक टीम बनाई गई है जो गांव के प्रत्येक घर में जाकर लोगों की थर्मल स्कैनिंग करेगी ताकि COVID-19 के मरीजों का पता लगाया जा सके। उन्होंने कहा कि यह कार्य बिना किसी राजनीतिक स्वार्थ के कर रहे हैं और उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को भी हिदायत दी है कि क्षेत्र के सभी लोगों को हैंड सैनिटाइजर और मास्क उपलब्ध करवाएं। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी विधानसभा क्षेत्र में 20,000 लीटर हैंड सैनिटाइजर और 50,000 मास्क लोगों को उपलब्ध करवाए गए हैं और इसके अलावा पूरे विधानसभा क्षेत्र के सभी सार्वजनिक स्थलों को सैनिटाइज करने के लिए 30,000 लीटर सैनिटाइजर भी उपलब्ध करवाया गया है। रामलाल ठाकुर ने कहा कि पूरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों की थर्मल स्कैनिंग करने का कार्य 1.5 महीने के अंदर पूरा किया जाएगा और उसके बाद सभी आंकड़ों को एकत्रित कर इस रिकॉर्ड को DC बिलासपुर के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा जाएगा। जो आज से हम शुरू कर रहे हैं वो है मेरी कमिटमेंट जो नैना देवी कॉन्स्टिट्यूंसी के साथियों के साथ थी कि हमने हर पंचायत में जो थर्मल स्कैनर है वो हमने हर पंचायत में मुहैया कराने हैं। वो हमारा सप्लाई ऑर्डर अभी आ गया है और ये मैं कहना चाहूँगा कि 50 स्कैनर हैं जो मैंने खरीदे हैं और ये नहीं कि हमने हर कहीं से ले लिए। ये मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये जो कंपनी है ये कंपनी नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे इस कंपनी की अपनी जगह है। मैंने उनको ऑर्डर दिए थे और उन्होंने अभी कल ही शाम को ये जो स्कैनर है वो हमारे को भेजे और आज से हम हर पंचायत में इस कार्यक्रम को हम चलाएंगे। विधायक रामलाल ठाकुर ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से कहा कि कोरोना महामारी के समय में सभी को एकजुट होकर लोगों को जागरूक करना चाहिए ताकि लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। के चैनल के लिए बिलासपुर से शुभ राजपूत की रिपोर्ट। To make a successful career in health sector, come to join Nandini College of Nursing. Join 4-year BSc Nursing degree course and 3-year diploma course in GNM Staff Nursing. Recognized by INC New Delhi and Himachal Pradesh Nurses Registration Council Shimla. We provide direct admission in BSc Nursing after plus 2 medical with 45% marks for general category and SC/ST with 40% marks. And for admission in GNM Staff Nurse course, come from any stream with 40% marks and SC/ST students with 35% marks. We have special scholarship for SC/ST and OBC students. Special features, green campus, hostel facility with Wi-Fi, excellent results and placements every year. Affiliated with Government Hospital, Sundarnagar. Contact Nandini College of Nursing, VPO Kannad, Tehsil Sundarnagar, District Mandi.